नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा जूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में पापांकुशा एकादशी जो कि अश्विन माह में पड़ती है उसका महत्व क्या है, साथ ही साथ उसकी व्रत कथा क्या है, जो आपको चाहे आप व्रत हो या ना हो आपको ज़रूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इससे आपको जीवन सुख समृद्धि आती है। पापांकुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन पुआर माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख से नहीं भोगना पड़ता है। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन करने से सभी क्लेशों व पापों का शमन होता है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, साथ ही साथ पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। ये है पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा, जो कि आपको व्रत करने वालों को, साथ ही जिन्होंने व्रत नहीं कर सकते हैं उनको ये कथा तो ज़रूर ही पढ़ अथवा सुन लेनी चाहिए। इससे आप सभी के दुख दर्द दूर होते हैं। आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल में इसको मिल जाता है। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।